लेडीज एंड जेंट फिफ्टी मॉड्यूल ऑफ एन ओवरव्यू ऑन सोशल कैपिटल अब आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की सोशल एक्सपीरियंसेस के बात की और फिर हमने देखा लास्टली कि हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर बात की सोशल कैपिटल क्या है देखिए समझिए कि सोशल कैपिटल इज अ क्वालिटी ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एन नेटवर्क रिलेशनशिप जिसके ऊपर मैंने मुकम्मल बात की और उससे बहुत सारी एक्जाम्पल्स हमने दे दी ज़्यादातर मैंने हजूर अल्लात उम्म के रेफरेंस से दी और आज आपने देखा होगा कि हम मजहबी माशरा तो बन गए लेकिन हमारे अंदर जो है इंटर रिलेटेड क्वालिटीज़ नहीं है इंटर रिलेटेड कनेक्टिविटी नहीं है आपस के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है एक ही मोहल्ले के अंदर जाएं कि जहाँ पर सोसाइटी ज़्यादा बनना शुरू हो गई और आपने देखा कि गेटेड कम्युनिटी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई वो बागबानपुरा के अंदर या आ, आप चले जाएँ जो धर्मपुरा और पुराने इलाकों की तरफ गवाल मंडी वाले इलाकों की तरफ तो वहाँ पे कम्यूनल डेवलपमेंट हुआ करती थी एक की दीवार दूसरी दीवार से थी और कहा जाता था एक का गम दूसरे गम घर के गम के साथ मुंतकिल है और एक की खुशी दूसरी की खुशी के साथ मुंतकिल है वो एक ख़ास तौर पर थड़े का एक कॉन्सेप्ट होता था जहाँ सब लोग बैठ कर कितार किया करते थे खुशियाँ इकट्ठी होती थी और फौरी तौर पर खामोशी के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी है या किसी का गम है तो एक ही रात के अंदर एक ही दिन के अंदर सारे फ़ंड्स भी जमा हुआ करते थे सारे मामला भी जमा हुआ करते थे किसी को बिज़नेस करवाना है तो उसको भी बिज़नेस करवा दिया जाता था किसी की दुकान नहीं डलवानी है तो सारों की खुशियां सांझी हुआ करती थी अब जो है वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई एक ही मोहल्ले में कोई कई दिन मरा पड़ा हुआ अकेला रह रहा है और कई कई दिन जो है वो लाश डिस्काट होने के काबिल हो चुकी होती है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होती

इंट्रेंसिक तो ये है कि मेरे अंदर है अब ये है कि मैं पर्सनल में अपनी बात करूं तो आई एम अ वेरी कॉम्पिटेंट इंट्रो मैं किसी से मिलना नहीं चाहता मैं बात नहीं करना चाहता मेरे अंदर से फीलिंग ही नहीं आती कि मैं सोशल नेटवर्क डेवलप करूं बट अब ये एक्वायर्ड है अब मुझको ये करना पड़ेगा मुझे कम्युनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी अगर मैं सोसाइटी के अंदर यून तो मैं जंगल में चला जाऊं लेकिन बेहतर तो ये कि मुझे सोसाइटी को डेवलप करना है और सोसाइटी को डेवलप करने में आप ये देखिए कि जब आप अपने अंदर गौर फिक्र करते हैं तो हजूर असलात असलम भी चालीस सा, साल से पहले गार हरा के अंदर मुकीम रहा करते थे और गौर गौरव ख़ौ क्या करते थे ये तफक् करु नफी ख़ल के समावाती वाला अर्थ अपनी पूरी कायनात के ऊपर गौर फिक्र करो कैसे चलती है किस तरह चलती है कभी आप परिंदों को देखिए कि वो किस तरीके से कम्युनिटी डेवलप करते हैं आपने देखा होगा कि दो परिंदों को बिस्किट डाल दीजिए तो अगर एक कमज़ोर परिंदा है तो दूसरा अपनी चोंच से उसके चोंच के अंदर बिस्किट डाल रहा होगा फिर आप देखें कि एक क़ँ जब आता है तो आवाज़ मार के सारे कव् को बुलाता है कि खाने की जगह आ गई है तो यहाँ पर अगर कम्युनिटी डेवलप हो सकती है तो और जानवरों से हम ये नहीं सीख सकते और अगर आप ग्रहों के अंदर देखें तो शेरों के अगर आप डेंस को गौर से देखें यानी कि छारों के अंदर देखें और शेर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ज्राफ्स कैसे गुजारते हैं हिपोटमस कैसे गुजारते हैं भेड़ियों के रहन सहन का तरीका अलग है उनके कवानीन अलग है कम्युनिटी डेवलप अलग होती है तो ये बेसिकली जो बताना चाह रहा हूं वो है सोशल कैपिटल वो सोशल कैपिटल जब तक तो मैं गेन नहीं करूंगा आई कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर मुझे निकलना पड़ेगा मुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट एक्वायर करना पड़ेगा आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को पूछेंगे इंट्रोवर्ट की एक स्टेटमेंट लिख लीजिए इंट्रोवर्ट आर हु एनर्जाइज बाय द इनर वर्ल्ड अब इनर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी फिलहाल डिटेल में नहीं जाऊंगा एक्स्ट्रो वर्ड के ऊपर एक सिंगल लाइन लिख लीजिए लिख लीजिए वो ये कि वर्ड आर हु आर दोजाइज बाय द आउटर वर्ल्ड उसमें हर यानी एक आम इंसान जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी गुजर रहा था मैंने उससे पूछा तुम कौन हो उसने कहा मैं रास्ते का वो पत्थर हूं जिसको लोगों ने अपने पाँव मार मार के मुझे गोल कर दिया यानी हर चीज मैंने सीख ली इसलिए मेरे अंदर दनाई आ गई किया कुछ क्यों नहीं क्योंकि मुझे उसने कहा कि मैं बहुत कुछ भी कर लेता तो जाना तो मैंने वही है कोई का अलग परसेप्शन है तो परसेप्शन अलग बनता है हमने लेना है पॉजिटिव परसेप्शन हमने वो अंटरप्रन्योर बनना है जो चार हजार पाँच हज़ार लोगों को खाना खिला सके हमने वो अंटरप्रन्योर बनना है जो दस हज़ार से पंद्रह हजार को छत दे सके हमने वो अंटरप्रन्योर बनना है जिससे कम्युनिटी के अंदर खुशहाली आए आगे देखते हैं कि पंटम पंटनम में 2002 के अंदर डिफाइन सोशल कैपिटल इज द फ्यूचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन सच एज नॉर्म्स नेटवर्क एंड ट्रस्ट ये तीन फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको हर डिस्कशन के अंदर बताया इनको आप जो है वो मस्ट इसको तीन लेवल पे लिख लीजिए विच फेसिलिटेट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स एक दूसरे के लिए काम करना एक दूसरे के लिए फलाह के काम करना म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन आप देखिए कि सोशल कैपिटल प्रोवाइड्स रिलेशनशिप थ्रू विच एन एन आंटरप्रन रिसीव अपॉर्चुनिटी टू यूज द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल इज मच इंपॉर्टेंट एज द ह्यूमन कैपिटल कुड बी अच्छा अगर जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी ह्यूमन माइनस होता जाएगा अच्छा ये याद रखें ह्यूमन माइनस ना हो तो ह्यूमन क्रिएटिविटी बढ़ा दीजिए ताकि एक वक्त जैसे वेस्ट के अंदर आप जाएं आप नेटफ्लिक्स पे देख लीजिए आप बहुत सारी सोशल मीडिया की साइट्स पे चले जाइए यूट्यूब पे चले जाइए तो ए जिन लोगों ने ए आई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था और अब उनके लिए वो ए आई टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है अब वो ह्यूमन क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं वही जैकमा साहब जो है वो ए आई के सबसे बड़े बानी थे और इतनी बड़ी ए आई टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना डाली और वही आज ए आई टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्या ये ह्यूमन क्या ये इंसान से बड़ी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं the social capital or social capital provides a relationship through which an entrepreneur receives opportunity to use human and financial capital. however, the entrepreneurial structure, his or her network can determine the value of their social capital, thus their ability to act in an entrepreneurial manners. so this is how entrepreneurial manners could introduce and to be uh, developed in a way that where the norms network and trucks can be consolidated to the social structure thank you very much